सभी को जोहार। राम राम, जय श्री राम। जरा और आनंद से बोलो, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है, आज मंडला की धरती पर खासकर जो हम सबको गौरवान्वित करने वाले नाम हैं, जिनके स्मरण मात्र से हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। सबसे पहले मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम में अभी फग्गन सिंह जी से मेरी बात हुई, वो दिल्ली है, क्योंकि लोकसभा चल रही है, उनका वहां जरूरी काम था। जोरदार अभिनंदन करें फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी का, यहीं से मान लेते कि वो हमारे बीच में है। और अभी अभी जिनने संबोधित किया हम सबकी बहुत आदरणीय और पीएचई मंत्री, मेरे विभाग की मंत्रिमंडल की बहुत कर्मठ आपकी नेता संपतिया उइके जी, अभिनंदन करें अपने नेता और मंत्री का इस अवसर पर मंच पर विराजमान। विधायक बिछिया नारायण पट्टा जी, आपका भी अभिनंदन है। विधायक चैन सिंह जी बरकड़े, आपका भी अभिनंदन है। डॉक्टर विनोद मिश्रा जी, आशीष दुबे जी, भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुशराम जी, देव सिंह जी, आपका खास करके देव सिंह जी के कारण से आज की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें देव सिंह जी के लिए भी। देव सिंह संयाम जी, विजय आनंद जी, डॉक्टर शिवराज शाह जी, कहाँ शिवराज जी, आपका भी अभिनंदन करें। कोई बात नहीं, शिवराज जी अपनी सरकार बनी, हम सब हैं आपके साथ। इस अवसर पर राम प्यारे कुलस्ते जी, कहाँ है कुलस्ते जी, कुलस्ते जी आपका भी अभिनंदन है। पंडित शिव ध्रुवे जी, कहाँ है ध्रुवे जी, आपका भी अभिनंदन है। विनोद कछवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष, विनोद जी का अभिनंदन है। इस अवसर उमेश ठाकुर जी, नीरज सिंह जी, मरकाम भगवती श्रीधर जी, प्रफुल्ल मिश्रा जी, सरवण पटेल जी, संदीप सिंह जी, शैलेश मिश्रा जी, अनुराग चौरसिया जी, सूर्यकांत जंघेरा जी, मैं आप पूरे मंडल का और भी नाम ले सकता हूँ, एक बार अभिनंदन करें पूरे मंडल का और पूरे मंच का। कार्यक्रम में तो कई बार जाने को मौका मिलता है, कई कार्यक्रम में गया हूँ, लेकिन सच में आज जिस कार्यक्रम में आया हूँ, इस कार्यक्रम का जो मन से आनंद है, मैं आप सबको पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ और अपने मन से आपको प्रणाम भी करता हूँ। आज भी मंडला आने के लिए, आने जाने के मार्ग के माध्यम से हम सब जानते हैं कि कुछ कठिनाइयां हो सकती है, और इसके कारण से ये एक अलग भौगोलिक परिस्थिति में बना हुआ मंडला हमारा है। लेकिन आज जिस कार्यक्रम का निमित्त बना है, जिसके कारण से मैं आया, मेरे मन में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक जितना आनंद आया होगा, आज आया आनंद उतना सब उसकी तुलना में निश्चित रूप से कम होगा। क्या समय था, क्या दौर था, और क्या यहाँ की क्षेत्र की आपकी बेटी ने अपने इस पूरे गोंडवाना क्षेत्र की एक महारानी, जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ करके हम सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, रानी दुर्गावती महारानी की अपने लिए अभिनंदन करें रानी दुर्गावती। और एक नहीं दो तो बेटियां समादरणीय देवी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती, ऐसी अपने यहाँ की बहनों के माध्यम से, यहाँ का तो क्षेत्र ऐसा लगता है कि किनका नाम लो और किनका छोड़ो, मुगलों की ऐसी सत्ता को शंकर सा, रघुनाथ सा, क्या बड़े बड़े नाम है हमारे बीच में, आप सबको प्रणाम करता हूँ इनके माध्यम से, और धरती के माध्यम से सिर झुका करके प्रणाम करने की इच्छा होती। मैं आप अंदाज लगाइए कैबिनेट की पहली मीटिंग अगर हमने मध्यप्रदेश में शपथ लेने के बाद कहीं की थी, तो वो रानी दुर्गावती को स्मरण करते हुए रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में हमने पहली कैबिनेट करी थी, क्योंकि ये क्षेत्र का बलिदान ही ऐसा पूरा देश जिसको
को नमन करता, पूरा देश विशेष आदर से देखता, ऐसी रानी दुर्गावती हमारे यहां तो वैसे बहन बेटियों का सम्मान कैसे है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। हमारे यहाँ माता बहनों का, देवी स्वरूप दुर्गा का जो मान होता, सम्मान होता, इसलिए हमारे यहाँ नाम भी रखा जाता है, लिया जाता है भगवान का नाम भी, तो लक्ष्मी नारायण सीताराम पहले हमारी माता बहनों का नाम लिया जाता है, बाद में भगवान का नाम आता है। और ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि तमाम कष्टों के बाद हमको जन्म देने वाली माता हमको अपने जीवन में वो लालन पालन करके इस संसार रूपी एक नए सागर में जाने के लिए ना केवल वो तैयार करती है बल्कि अपने आंचल की छाया में इतने आशीर्वाद देती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संघर्ष की कठिनाइयों में भी हम सहायता से पार कर सके, जीवन भर माताओं का आशीर्वाद हमको मिलता है। यह आशीर्वाद हमारे अपने देश में, हमारी संस्कृति में एक विशेष रूप से देखा जाता है। इसलिए हमने हमारे अपने देश को दुनिया के 200 से ज्यादा देश, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कितने प्रकार के देश, लेकिन कोई देश अपने देश को माता रूप में नहीं मानता। एकमात्र देश है भारत जो भारत माता करके अपनी संस्कृति को नमन करता है, ये मात्र संस्था को स्वीकार करता, माँ के आंचल में जो आनंद मिलता है वो हम अपनी पृथ्वी पर भारत भूमि में विश्वास करते हैं। अभी हमारी बहन जी ने नारा लगवाया था, नर्मदे मैया की, आपको उस बहुत सौभाग्यशाली लोग जिनको अपने माता का, नर्मदा मैया का आशीर्वाद मिलता है और ऐसा कहते हैं कि भारत में कई नदियां होगी लेकिन कई नदियों में नर्मदा जी की गिनती नहीं हो सकती। नर्मदा जी तो एक ही है, एक ही जो ना केवल पूरे प्रदेश को बल्कि गुजरात को भी अपने आंचल से सराबोर करते हुए वर्तमान में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने में सब प्रकार के आशीर्वाद जुटा करके हम सबका जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को स्मरण करते हैं। मोदी जी के माध्यम से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूरा क्षेत्र, क्या गुजरात के जंगल से जंगल वाले क्षेत्र भी हरे भरे चमन हुए, ये हमारे प्रदेश में भी हो जाते 40 साल पहले, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, प्रदेश का भला नहीं किया, सरकारें बनी उनने, लेकिन नर्मदा के ऊपर जो हमारे पानी का सदुपयोग करने के लिए पीने का पानी या सिंचाई की व्यवस्था वो सब कर सकते हैं, लेकिन न करते हुए उनने केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम किया। मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी आप अभिनंदन करें जिनके माध्यम से हमने पूरा प्रदेश एक नए दौर में पहुंचाने का प्रयास किया। ये हमारी पार्टी की विशेषता, मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वयं ने उनके तरफ से नाम प्रस्तावित किया कि हाँ मेरे बाद कोई काम संभालेगा तो आपके बीच का ये कार्यकर्ता जिसको ये मौका दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हम सब जानते हैं वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब हम अपने आप सबको जोहार किया, राम राम किया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है क्या भगवान राम को भी अयोध्या में, ये हमारे अयोध्या का राम राज्य जो स्थापित हुआ था, ये हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों बहनों के माध्यम से भगवान राम ने भी 17 लाख साल पहले रावण जैसे महाशक्तिशाली को उसके घर में हरा करके अपने धर्म की जय जयकार की थी और अपने बंधु भाइयों बहनों के साथ उस आनंद में वो सहभागी हुए। हम सब जानते भगवान राम का अयोध्या से संबंध, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है पहले अंग्रेज, उसके पहले मुगल, जिनकी हमने प्रतिमा का अनावरण किया, वो हमारी गोंडवाना की महारानी जिनने कहा कि भले ही प्राण चले जाए लेकिन आजादी नहीं दूंगी अपने शरीर का एक एक खून, उनने लगातार लड़ते हुए अपना बलिदान करा दिया, लेकिन
झांसी की रानी के पहले रानी दुर्गावती ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी रानी दुर्गावती को नमन करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। उनके जीवन के ये कुर्बानी के क्षण को नई शिक्षा नीति के माध्यम से आने वाले समय में स्कूल में कॉलेज में सभी लोगों के जीवन के ये पाठ को पाना पड़ेगा। केवल अकबर बड़ा महान बताते थे अकबर को, लेकिन एक बार नहीं तीन तीन बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो महारानी दुर्गावती ने किया है। ये यहाँ का खून है, यहाँ की बेटी है, उसका पुरुषार्थ पराक्रम है। हम मैं इस बात को भी जानता हूँ, एक और राजा था शेरशाह सूरी, उस शेरशाह सूरी को भी अगर धूल चटाने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 1857 में भी और बाद के काल में भी हमारी रानी अवंतीबाई जिनका डिडोरी में स्मारक है, हम सब जानते हैं रानी अवंतीबाई हो रानी दुर्गावती हो, आजाद भारत के लिए ये तमाम क्रांतिकारियों ने हमारे सामने एक बड़ी मिसाल पैदा की है, बड़ी मिसाल सामने रखी, जिसके कारण से पूरा देश इनके आगे नतमस्तक होता। आज मैंने इस महाविद्यालय में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करके एक मेरे मन में जो श्रद्धा का भाव था वो प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन ये हमारे बलिदानियों के माध्यम से जो धारा बहती है वो धारा हमको सिखाती है कि हाँ हम दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करते करते आजीवन अपने देश को एकजुट रखते हुए अखंड रखते हुए इस देश के अंदर के भाई बहनों को क्या गरीब क्या अमीर क्या ऊंचा क्या नीचा सबको साथ लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबके कल्याण की कामना करते करते यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनने अभी अपने बीच में जनमन कार्यक्रम के माध्यम से नई एक घोषणा की और हमारे आदिवासियों में भी जो पिछड़े हुए भाई बहन है बेगा सहरिया यहाँ तो बेगा है शायद है ना बे बेगा भाई बहन हमारे बीच में अभी बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है, जोरदार तालियां बजाओ बेगा भाई बहनों को। और केवल बेगा भाई बहन नहीं पूरे आदिवासी अंचल के लिए आपके इस क्षेत्र के अंदर विकास की जो जो जरूरत होगी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, सारे काम किए जाएंगे। आज भी मैं अगर आया हूं तो आपके पास खाली हाथ नहीं आया हूं, हमको मालूम है आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या महत्व है, हमारे जंगल में गांव गांव में आयुर्वेद बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन आयुर्वेद के इस बड़े संभावना वाले मामले में आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है मंडला में। मैं आज ही मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज की घोषणा करता हूं, हजारों साल पुराने हमारा जिस पे विश्वास था ऐसा आयुर्वेद का हमारे यहाँ महत्व है। हमको मालूम है कोविड के समय पे तमाम एलोपैथिक दवाई फेल हो गई थी, सारे डॉक्टर डर रहे थे, कोई सामने आने को तैयार नहीं थे, लेकिन केवल आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद का काढ़ा पिला करके डॉक्टरों ने और आयुर्वेद की गोली खा करके डॉक्टरों ने न केवल कोविड से खुद को बचाया बल्कि पूरे समाज को हिम्मत दिलाने का प्रयास किया। ये हमारे जीवन की संस्कृति इतनी अच्छी है कि कदम कदम पर ऐसी तमाम आयुर्वेद की औषधियां अपने घर और आसपास फैली हुई है। अरे तुलसी माता अपने आंगन में अगर लगाते हैं तो उसका आयुर्वेदिक क्या महत्व है, हमारे यहाँ तो भगवान का भोग भी बगैर तुलसी पत्र डाले पूरा नहीं होता, हमारी संस्कृति तो प्राचीन समय से इस बात को जानती, लेकिन काल के प्रभाव में अब आयुर्वेद का महत्व स्थापित हो रहा है। मुझे खुशी है कि आपके यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज भी होगा और मेडिकल कॉलेज भी होगा, ये बड़ी बड़ी सौगात बड़े बड़े शहर के नसीब में नहीं है, वो आपको नसीब हो रही है। इतना ही नहीं आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे काम मुझे बताएं जिसके आधार पर मैंने कहा कि यहाँ पिछले वर्ष इसी महाविद्यालय में आया था मैं मंडला में,
और इनने कहा था कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करना है, मैं अपना वादा निभाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उस समय शिक्षा मंत्री बन के आया था और मुझे क्या मालूम मंडला वाले इतने प्रेम से बुलाते कि मुख्यमंत्री बन के अनावरण कराते, इतना प्रेम तो कोई दे नहीं सकता, ये केवल मंडला वाले ही दे सकते। आपका प्रेम आपका स्नेह जीवन भर याद रहेगा। मैं आज के अवसर पर यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि रानी दुर्गावती का अकेला यहाँ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा, जबलपुर के अंदर मदन महल के ऊपर लगभग 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को लेकर एक बड़े स्मारक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने भूमि पूजन किया, हमने उसका भी लोकार्पण किया। मुझे जानकारी है कि बहोरी वन महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर ही है, ये नाम की घोषणा भी मैंने ही की थी। मुझे इस बात की भी आनंद है कि यहाँ पर खास करके कोदो कुटकी, ये कोदो कुटकी की बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है, लोग उसको वापरते हैं, लेकिन इसके लिए पहली कैबिनेट जब जबलपुर में हमने की थी उसका 1000 रुपया कुंटल अलग से देने की घोषणा हमने अपने जबलपुर के अंदर निर्णय किया है। अब आप जब फसल बेचोगे तो फसल के ऊपर प्रति किलो 10 रुपया अर्थात 1 कुंटल पर 1000 रुपया अलग से देने की घोषणा मध्यप्रदेश सरकार ने की है, आपके इस भाई ने की है, जिसके माध्यम से कोदो कुटकी की हमारी आजीविका में बड़ा मदद रहेगी। इस फसल को प्रोत्साहन देने की जरूरत, आने वाले समय में इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम हमारे यहाँ तो बहन बेटियों को महत्व कैसे देते हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की राष्ट्रपति अर्थात प्रथम नागरिक बनाने का अगर किसी ने निर्णय किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक्सीलेंस कॉलेज, बहन जी आपके मुंह में घुसक कर जो आप मांगो सब दे देंगे, एक्सीलेंस कॉलेज की मांग अभी अभी श्रीमती संपतिया जी ने की है, मैं वो भी देने की घोषणा करता हूँ आपके कॉलेज प्रदेश के लिए, हमारे अपने मंडला जिले के लिए, प्रदेश भर में 55 जिले में हर जगह एक एक एक्सीलेंस कॉलेज दे रहे हैं। जब सबको दे रहे तो मंडला में क्यों नहीं देंगे, मंडला में सबसे पहले देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो आपके यहाँ चालू हो जाए, कोशिश करेंगे अगले सत्र में चालू हो जाए। हमारे पास इस व्यवस्था के लिए खास करके आज का दिन तो और महत्व का, हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण की बात आती है, मैंने मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर पूरा सप्ताह एक साथ मनाया था और पूरे सप्ताह में हमने कहा था कि हमारे लिए ये सप्ताह केवल संक्रांति का नहीं है, प्रत्येक त्योहार प्रत्येक पर्व इससे हमारा विशेष रिश्ता है। और मकर संक्रांति तो तिल तिल करके दिन बढ़ता है, उत्तरायण की तरफ सूर्य नारायण देवता जाते हैं और उत्तरायण की तरफ जाते हुए सूर्य नारायण देवता हमको जीवन में प्रकाश फैलाते हुए आशीर्वाद देने की तरफ बढ़ते हैं। यही कारण है कि 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने शरीर के प्राण छोड़ने का भी संकल्प किया, उन्होंने कहा कि मैं उत्तरायण में शरीर छोड़ूंगा, उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा। उत्तरायण का ये महत्व है, हमने इसके अवसर पर अपने सभी प्राचीन खेल, यहाँ भी गिल्ली डंडे खेलते होंगे, खेलते गिल्ली डंडे खेलते कि नहीं खेलते, तो क्या गिल्ली डंडा क्या कबड्डी क्या खो खो क्या दौड़ क्या पतंगबाजी, सारे खेलों का महत्व स्थापित करते हुए पूरा सप्ताह मनाया था। और बहन बेटी तो सुहाग के सामान बांटती है संक्रांति के अवसर पर, हमने पूरा सप्ताह मनाया था और संघ का भी 6 उत्सव में से बड़ा महत्व का उत्सव है और उससे तिल गुड़ का प्रसाद मिलता है। हमको मालूम है शीत के समय गुड़ और तिल का क्या महत्व होता है, वो किसी से छिपा नहीं है भैया, ये कोई राजनीति भी नहीं है, लेकिन ये सारे उत्सव क्यों नहीं मनना चाहिए सरकारी लेवल पर, हमने मनाने का शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज तो 10 तारीख है, लाडली बहनाओं का दिन है आज, आज लाडली बहना फिर एक बार 9वीं बार आज फिर यहाँ पर 1,29,00,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,005
70 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल रहे हैं। आज फिर लाडली बहनों के पास खाते में पैसा आएगा। ये पैसा आपके उस परिवार के लिए बाल बहन के हाथ में आया हुआ 1 रुपया ये 100 रुपए में चलता है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बहन उसके बारे में जो पैसे का सदुपयोग करती है वो कोई दुनिया की मिसाल नहीं है ऐसी। या हमारे यहाँ की माताएं बहने अपने परिवार को चलाने में इतना ध्यान रखती है। जोरदार अभिनंदन करें 1,576 करोड़ के लिए। और इसी अवसर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 12 पेंशन योजना के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 56,61,000 पेंशन हितग्राहियों को लगभग 339 करोड़ से ज्यादा की राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। सारे के सारे क्या भाई क्या बहन 60 साल से ज्यादा उम्र के अलग अलग पेंशन के पात्र क्या दिव्यांग सभी को ये 12 प्रकार के अलग अलग पेंशन जो दे रहे हैं उसके लगभग 339 करोड़ की राशि भी आपके खाते में डाल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है हमने अपने प्रदेश में 45,89,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की अब घर घर गैस आ गया उज्ज्वला के माध्यम से। और उज्ज्वला के माध्यम से आया तो पहले तो हमने अनुदान दिया था, बाद में कह रहे थे कि अगली बार देंगे नहीं। दोनों विधायक भाई आप भी सुनना, हमने वादा निभाया है। आज भी प्रदेश भर की 45,89,000 बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ की सब्सिडी उनके खाते में डाल करके जो हमने वादा किया था वो वादा बराबर निभा रहे हैं। एक बार अभिनंदन करें सरकार का इस माध्यम से, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी कोई दो बात नहीं, आज तक हम जानते हैं 3 चरण के माध्यम से लगभग 85 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन हमारे गरीब भाई बहनों के अंदर घर में पहुंच चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है आज ही मंडला में 134 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास कार्य लोकार्पण और भूमि पूजन करने का काम भी इसी मंच से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 134 करोड़ के काम अलग अलग प्रकार, और इनमें भी काम का प्रकार भी तो देखो कौन कौन सा काम है। मैं लिस्ट देख रहा था, मुझे ध्यान में आया कि हमारे आदिवासी बालक बालिकाएं उनके छात्रावास वो भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे नवीन ITI जिनके माध्यम से भविष्य में रोजगार मिलेगा। अभिनंदन तो करो, ITI का कोई मामूली बात नहीं होती है। बच्चा स्कूल में जाते जाते अपने आप की जिंदगी की लाइन तय करेगा, वो अपने हाथ में हुनर लाएगा, हुनर सीखेगा, जिसके भरोसे से भविष्य में परिवार में एक नया आय का रास्ता खुलेगा। हमारी खेती बाड़ी हमारे दूध उत्पादन वो तो हम करेंगे लेकिन अलग से आय भी चाहिए, तो ITI के माध्यम से वो भी होगा। इसी के साथ साथ नवीन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कई सारे स्कूल भवन हॉस्टल कई सारे रोड 11 करोड़ की लागत से तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम जिनके आधार पर यहाँ पर एक शुरुआत मिल रही है। मैं अपनी ओर से कुछ नामों की उल्लेखनीय घोषणा करना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण करने का प्रयास किया। मैं कभी कल्पना कर सकता था कि अपने आदिवासी बेल्ट में इतने सारे काम होंगे। पाठा सिहोरा पिंडराई टोला होते हुए राम देवरी जिला सिवनी में एक 10.10 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अभिनंदन करें नई बनने वाली सड़क का। नैनपुर मंडला इसलिए जहरमऊ से इंद्री ये लगभग 7 किलोमीटर की हमारी 1,543 लाख की सड़क, ये अपने आप में बड़ी सौगात। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक नहीं दो नहीं लगभग सभी प्रकार के काम जिस कामों के माध्यम से मंडला का विकास हो सकता है। लेकिन आज मैं जल्दी अपनी बात खतरा सिहोरा पिंडराई टोला होते हुए राम देवरी जिला सिवनी में एक 10.10 किलोमीटर से ज्यादा की
नई सड़क का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अभिनंदन करें नई बनने वाली सड़क का। नैनपुर मंडला इसलिए जहरमऊ से इंद्री ये लगभग 7 किलोमीटर की हमारी 1,545 लाख की सड़क, ये अपने आप में बड़ी शोभा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक नहीं दो नहीं लगभग सभी प्रकार के काम, जिस कामों के माध्यम से मंडला का विकास हो सकता है। लेकिन आज मैं जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, सबका उल्लेख इसलिए नहीं करूंगा कि कल हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर अपना जैसे इस आदिवासी अंचल में बात कर रहा हूँ, कल धार झाबुआ पर यशस्वी प्रधानमंत्री आकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर फिर एक बार आदिवासियों को नमन करने आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हम कल एक बार फिर अलग जगाएंगे इस विकास के संकल्प को पूरा करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आशीर्वाद लेंगे और कोशिश करेंगे विकास का कारवां लगातार ये बढ़ता रहे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। और हमने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का वादा भी निभाया है। आप सब भी याद रखना, भूलना मत, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। और भगवान राम ने आदिवासियों के साथ वनवासियों के साथ जो समय गुजारा है, हमको मालूम है ये कष्ट किसने दिया था। ये मंदिर 47 में बन जाता, लेकिन आजादी के बाद पहली बार बनकर के भगवान अपने गर्भगृह में गए हैं। तो यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ पूरे लोकतंत्र के लिए मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अपने ऊर्जावान भाषण से उद्बोधन से सभी के मन को आह्लादित किया है। अब मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हित लाभ वितरण का क्रम संपन्न होगा, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती खुजलोबाई भारतीय पति श्री विजय आनंद भारतीय यहाँ पधारे और इस लाभ के हितग्राही बनने का अवसर प्राप्त करें। पशु चिकित्सा विभाग से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए श्रीमती सुनिया बाई बैगा